इस वक्त की बड़ी खबर टीकमगढ़ के जतारा से आ रही है, जहां अज्ञात कारणों के चलते कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की सूचना लगते ही फायर ब्रिगेड व प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि जतारा मेन मार्केट में जैन गारमेंट्स की दुकान में लगभग रात 8 बजे के करीब दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वहीं आग ने देखते ही देखते एक विकराल रूप धारण कर लिया। इसके साथ ही तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। मेन मार्केट के अगल बगल के दुकानदार भी सकते में आ गए। वहीं आग की खबर लगते ही प्रशासनिक अधिकारी SDM, SDOP, थाना प्रभारी सहित अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल नगर पंचायत जतारा, नगर पंचायत लिधौरा को आदेश देकर फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन काफी देर तक आग पर काबू नहीं पा सके। वहीं कपड़ा व्यवसायी का करीब 50 से 60 लाख रुपए के करीब नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। मौके पर जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, नगर पंचायत उपाध्यक्ष रिंकू पठान, पार्षद बाबूलाल गुप्ता एवं नगर पंचायत के समस्त पार्षद एवं जनप्रतिनिधि मौका घटनास्थल पर पहुंचे। जतारा से UD न्यूज के लिए लाली झा की रिपोर्ट।